हेलो टू ऑल गाइस, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ मी बी ड्यूपॉट्स M20 की, और देखते हैं कि किस तरीके से ये आज के दौर में इट्स वर्थ इट और नॉट। देख सकते हैं आप ड्यूपॉट्स M20 यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है, उसके साथ साथ ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स लिखा हुआ है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि डीप एंड पावरफुल बास, ब्लूटूथ 5.0 और 20 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम। देखते हैं कि ये खरा उतरता है कि नहीं। ड्यूपॉट्स M20 यहाँ पे दिया गया, थोड़ी और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दी गई हैं, जैसे कि वन टच प्ले पॉज आंसर कॉल्स, पैसिव नॉइज कैंसिलेशन, ENC नहीं मिलता है इसको इसमें आपको, और दूसरा क्या है कि स्वेट प्रूफ है, IPX4 है, थोड़ा मोड़ा स्वेट और बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, और वन ईयर की लिमिटेड वारंटी दी गई है इसकी, और ये वारंटी आपकी लोकल वारंटी है ना कि इंटरनेशनल। तो आप देख सकते हैं ये ब्लू वर्जन है इसका, और इसके 3 से 4 वेरियंट आते हैं, कलर आते हैं, एक रेड आता है, एक ब्लू आता है, एक वाइट आता है और एक ब्लैक आता है। ब्लैक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, और जो इन्होंने एक चीज़ चेंज की है यहाँ पे, इसकी पैकिंग चेंज कर दी है। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग की गई है, और इसमें वो बैंड नहीं मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो होल्स दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में मेरे को इसके साथ बैंड नहीं मिला है, जिससे हम इसको आराम से लटका सकते थे अपने हाथों में, तो वो मेरे को कूल लगता था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कोई भी आपको सजेशन या सुझाव कुछ भी पूछना हो, मतलब कोई भी कंप्लेन करनी हो, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका प्राइस मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर आपको, मे बी इसका प्राइस 2999 दिया गया है यहाँ पे, और बड़े 2999 का है नहीं, वैसे नॉर्मली 2000 रुपीज़ का बिकता है 1999 का, बट ये जो अभी फ्लिपकार्ट डेज आए थे वहाँ पे मेरे को अराउंड 999 का पड़ा ये। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इसकी वैल्यू उस हिसाब से है कि नहीं, वो मैं बताना चाहूँगा आज मैं आपको इस वीडियो में। तो टाइम वेस्ट ना करते ओपन करते हैं इसको। सबसे पहले ये कुछ वन ईयर वारंटी कार्ड आपको मिलता है, यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा आपको एक फ़ोटो खींच के, उसके बाद इनवॉइस की, और व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे, इनके नंबर पे ये दिया हुआ है राइट। और ये एक्चुअली मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से, और तीसरे दिन मेरे को ये डिलीवर हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमको यहाँ पे मीवी के ड्यूपॉट्स मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे वो हटा ही दिया गया है जो होल्स होते थे, तो ये पूरा चेंज कर दिया, मुझे लग रहा है कॉस्ट कटिंग की गई है इसमें। और देख लेते हैं आगे क्या मिलता है हमको। एक सेक्शन मिलता है यहाँ पे एक अलग अलग से, और इसको ओपन करते हैं तो इसमें मिलता है हमको एक USB केबल, चीप क्वालिटी का USB केबल मिलता है यहाँ पे आपको। इसके साथ साथ देख लेते हैं, वन मोर थिंग इज सम एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, सरप्राइजिंगली यहाँ पे दो ही हैं, और जो पहले वाला आता था ब्लैक कलर का वेरियंट, इसमें उसमें चार ये तो मिलते थे, चार आपको ईयर टिप्स मिलते थे, उसके साथ साथ एक लगा हुआ भी आता था, एग्जैक्टली 5 होते थे, और उसके साथ साथ आपको इसमें एक बैंड भी मिलता था जिससे आप आराम से इसको लटका सकते थे। और इसी के साथ साथ देखते हैं और क्या मिलता है हमको। और लास्टली जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ये यूज़र मैनुअल देती है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा मीवी के और भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे, रोम और मूनस्टोन एक ब्लूटूथ स्पीकर है, और थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पे इसका, किस तरीके से कैसे यूज़ करना है, तो इसको पॉज करके भी देख सकते हैं भाई। टच कंट्रोल मिलते हैं इसमें आपको, कोई बटन नहीं दी गई है, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो हम इसको साइड रखते हैं जल्दी, और फिर हम अब मैं बताता हूँ आपको डायरेक्टली मेन, हम अपने प्रोडक्ट के पास आते हैं। ये है मीवी ड्यूपॉट्स M20, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा मैट फिनिश दिया गया है इसका, और USB नॉर्मल माइक्रो USB दी गई है इसमें आपको, ना कि टाइप सी। आप देख सकते हैं फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी, और मीवी के यहाँ पे ऊपर ब्रांडिंग दी गई है, बट जो पहले वाला था आई थॉट वो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि आगे बताऊँगा मैं क्यों। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ईयरपॉड्स मिलते हैं हमको, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, और ये लाइटनिंग इफेक्ट भी इसमें मिलता है आपको, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ग्लो करते हैं राइट। और यहाँ पे देख सकते हैं आप दो पिंस दी गई यहाँ पे, जिसमें आपको इसको रखना है, और ये चार्ज होने स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और ये इस तरीके से राइट। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पॉइंट्स बचे हुए हैं। और अब अगर मैं बात करूँ इसके चार्जिंग टाइम की, चार्जिंग में इसको लगता है करीब करीब 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटे से 1.5 घंटा इसमें लग जाता है। और ऊपर से अगर मैं बात करूँ इसकी क्वालिटी की, यहाँ पे बॉक्स की क्वालिटी ठीक ठाक है, फील अच्छा आ रहा है यहाँ पे, कितनी बार बंद करने कोई इशू नहीं है इसमें, क्लिक फील है, बट वो एयरपॉड्स की तरह क्लिक फील इतना आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे राइट। और ये यहाँ पे मैग्नेट की क्वालिटी भी ठीक ठाक है,
और अगर मैं एयरपॉड्स पे आऊँ यहाँ पे ब्राइटली, तो इनकी भी क्वालिटी डिसेंट है। ये नहीं कहूँगा मैं हाई प्रोफाइल मेटल के बने हुए हैं, बट डिसेंट है यहाँ पे जिस हिसाब से आपको जिस प्राइसिंग पे मिलते हैं। और यहाँ पे एक आपको ये मिलता है पैसिव नॉइस कैंसिलेशन, ना कि एक्टिव। सो कि और यहाँ पे पर्टिकुलर जो आपका ये है इसकी एक की करीब करीब जो बैटरी बैकअप है एक में, अगर आप मैं बात करूँ आपसे, एक में करीब करीब 140 mAh की बैटरी है। तो ये अराउंड आपको कंपनी की तरफ से बोला गया कि 6 घंटे का नॉन स्टॉप यूजेज देगी, बट ऐसा कुछ नहीं, मैंने इसको यूज़ किया करीब करीब 4 and 4.5 hours का आपको बैकअप मिल जाता है सिंगल एक उससे। और अगर केस की बात करूँ इसमें 500 mAh की बैटरी बोली गई है इसमें, अब वो तो नहीं पता मेरे को कितनी है, बट मे बी उतना चलती नहीं है जिस हिसाब से मैंने इसको यूज़ किया है। आइए हम देख लेते हैं आप इसको कनेक्ट कैसे करना है, इस तरीके से कैसे आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे जैसे आप ब्लूटूथ ऑन करते हैं आपको इनको सबसे पहले एक काम करना है, इनको इसमें वापस इनकी केस में रखना है, क्योंकि ऐसे कनेक्ट नहीं होते हैं ये। जैसे इसमें लाइट ग्लो होगी आपको इनको बाहर निकालना है, तो यहाँ पे ये सर्च करेगा राइट, सर्च कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे मीवी ड्यूपॉड्स M20 आ चुके हैं और हमको यहाँ पे टैप करना है इसको। और जैसे आप एक बार टैप कर लेते हैं, एक बार इसको कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आसानी से आपके फोन के साथ पेयर हो जाएंगे राइट। ये देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करूँ सिंपल सा, यहाँ पे अगर म्यूज़िक की बात करूँ, म्यूज़िक की क्वालिटी मैं आपको आगे बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप सुन सकते हैं, यहाँ पे आई होप इस तरीके से वॉइस क्वालिटी है। और मैं एग्जैक्टली अब बात करना चाहूँगा ईयरफिट्स की, आसानी से फिट हो जाते हैं ईयर में, गिरते नहीं जल्दी मेरे कान से तो नहीं गिर रहे हैं। मे बी कुछ लोगों को इसमें से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों के कान अगर छोटे होंगे तो उनके में पॉसिबल नहीं है कि ये अच्छे से फिट हो पाएँ। और जॉगिंग के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मे बी गिर जाएंगे किसी और के कान में, बट मेरे कान में तो नहीं गिरे और इतना ही मैंने इसको देखा है। और रही दूसरी बात यहाँ पर, और मेनली क्या है कि इसकी क्वालिटी का अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप वॉइस सुन रहे हैं या फिर कॉलिंग बात कर रहे हैं, कॉलिंग पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, तो कॉलिंग की क्वालिटी डिसेंट है और कोई भी इशू नहीं आया मेरे को इसमें सामने वाली पार्टी से, थर्ड पार्टी से बात करने में। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप बाहर इन्वायरमेंट में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टर्बेंस आता है, बाहर की वॉइस, बाहर की जो बहुत सारी नॉइस है वो सारे कैप्चर कर लेता है। उसी के साथ साथ डिसेंट क्वालिटी है इसकी, मैं ये नहीं कहूँगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और दूसरा अगर मैं बात करूँ इसकी रेंज की, रेंज की बहुत बड़ी बात की जाती है ब्लूटूथ हेडसेट में, सबसे पहले रेंज की बात की जाती है। अगर मैं रेंज की बात करूँ इसकी तो डिसेंट है रेंज की बात भी, क्योंकि इसमें कहा गया है 10 meters और 33 feet तक ये पकड़ लेता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं जैसे ही छत पे जाता हूँ ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर इसको मेरे को एकदम रेंज में ला के कनेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से इसकी क्वालिटी इतनी मेरे को ठीक नहीं लगी इसकी, अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ, जैसे कि इसमें बताया गया ब्लूटूथ 5.0 है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बट पता नहीं है जो यूज़ करते हैं इसके अंदर चिप, वो पता नहीं किस तरीके की कैसे यूज़ करते हैं, तो उस तरीके से इसमें उतना कनेक्टिविटी इशूज़ आते रहते हैं। और अगर दूसरा बात करूँ इसकी म्यूज़िक क्वालिटी की, गुड है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, गुड है, मैं गुड कहूँगा सिर्फ, गुड से अब भी नहीं है, गुड से नीचे भी नहीं है, गुड है इसमें। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हम थोड़ी देर गाने सुनते हैं जैसे, तो करीब करीब 1 to 1.5 hours बाद या फिर आपको मे बी आधे घंटे बाद ही इसमें डिस्टॉर्शन सुनने लगेगा आपको, मेनली आपको गाने में क्लैरिटी उतनी नहीं मिलेगी, बेस भी नहीं है इसमें उतना। मैं ये कहूँगा कि मे बी जो पहले वाले थे जहाँ पे इन्होंने मे बी ने कॉस्ट कटिंग की है वो मे बी ज़्यादा अच्छे होंगे, बट इसकी जो वॉइस क्वालिटी मेरे को लगी, जो इसके वोकल्स लगे वो उतने क्लियर नहीं लगे मेरे को। और उसी के साथ साथ थंपिंग जो बेस है वो नहीं है इसके अंदर, जो इंडियन यूजर्स को पसंद है उतना बेस नहीं है इसके अंदर। और समहाउ उसकी वॉइस भी थोड़ी सी कम है, मेरे पास रियलमी बड्स वायरलेस हैं, उनकी जो क्लैरिटी है, उनका जो वोकल्स हैं और हाई और मीडियम और लो पिच एकदम परफेक्ट आते हैं उसमें। और कहीं ना कहीं अगर मैं उससे कंपेयर करूँ इसको, तो इसको मैं 10 out of 5 देना चाहूँगा और उनको 10 out of 8 राइट। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ जो
इसका टाइम है, कितने टाइम तक ही चलते हैं अगर मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ तो। मेनली अगर आप म्यूजिक सुनेंगे इसमें तो कम से कम आपको ये करीब करीब, अगर आप 70% म्यूजिक पे सुन रहे हैं इसको, तो करीब करीब 3.5 घंटे का ये बैकअप दे देगा, 3.5 से 4 घंटे का। कंपनी क्लेम करती है 6 घंटे, बट इतना नहीं है, 75-80% अगर आप सुनते हैं तो 3.5 से 4 घंटे का आपको बैकअप मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर इसकी कॉलिंग की बात करूँ तो कॉलिंग में आपको 2.5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा दोनों पॉड से लगातार अगर आप कॉलिंग करते हैं। और ये केस तो आपको दे देगा 3 से 4 बार चार्ज कर सकते हैं आराम से ईयरपॉड्स को। और दूसरा मैंने एक चीज़ एनालाइज की है कि जब मैं इसको चार्ज करता हूँ तो स्टार्टिंग में तो जल्दी चार्ज हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 घंटे फुल चार्ज हो जाता है, बट इसकी जो बैटरी है बहुत जल्दी खत्म होती है चार्जिंग केस की। मे भी पता नहीं, क्या पता मेरे इस जो ये जो मेरे को मिला हुआ है पीस इसमें कोई डिफेक्ट हो, बट मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा है कि जो ये कॉस्ट कटिंग की गई है इसके बाद से इसको डिग्रेड कर दिया गया है। तो ओवरऑल मैं इससे अनसेटिस्फाइड हूँ, मैं रिकमेंड नहीं करता इसको। 999 भी मेरे को महंगा लगता है। मे बी इसका प्राइस अगर 799 होता, 800 रुपये तक होता या 700 रुपये तक होता तो मैं इसको कंसिडर करा सकता था, बट मैं कंसिडर नहीं करता आपको इसको लेने के लिए। आप कोई और इसका अल्टरनेटिव देख सकते हो। मे बी अगर आप इसकी जगह कोई भी पीट्रॉन का एक मैंने सुना हुआ है बास बर्ड्स, वो भी बहुत बेटर है इससे। इसमें आपको डिजिटल वो मिलता है, बैटरी शो करता है इसमें, वो भी आप ले सकते हो। वो 1100-1200 का आता है आपको, इससे बहुत अच्छा है वो मैंने यूज़ किया हुआ है। और दैट्स ऑल, ये मेरा मीवी M20 का शॉर्ट रिव्यू था। इसको मेरे को यूज़ करते करते 3 से 4 दिन हो चुके हैं और मैं इसको जस्ट वापस करने वाला हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ और थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी आपका सजेशन या सुझाव हो मेरे से जरूर पूछ सकते हैं इसे पॉड्स के रिगार्डिंग। और मे बी आप और किसी चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं डेफिनेटली डालूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।